हम लोगों ने एक टूर्नामेंट शहीद यूसुफी जो हम लोगों का शहीद चेयरमैन था हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी उसके नाम पे हम लोगों ने एक लीग सिस्टम मतलब इलाके के नौजवानों और खिलाड़ियों के हौसला अफजाई और इलाके के आवाम के लिए मुस्बत तफरी के लिए हम लोगों ने ये टूर्नामेंट शुरू किया गया हम लोगों ने। और जीएनएम टीवी के जनाब जाबिर बलोच साहब को कयूम पापा ये नौजवानों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर रहे हैं, उन लोगों को खेल की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं और वो लोग मंशियात से और बाकी दूसरे मनफी चीज़ों से दो नंबर कामों से बच जाएंगे। और रमज़ान के लिए सबसे बेस्ट है कि हमारे जो बूढ़े जवान हैं जो काम करने वाले उन लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है, फुटबॉल देखकर इंजॉय भी करते हैं वो लोग। बिल्कुल सर, इस तरह के टूर्नामेंट हम लोग हमेशा करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम लोग हमेशा से करें ताकि हमारे जवान हमारे बच्चे खेल की तरफ रागिब हो जाएं और बुरे खासकर ये आजकल जो ये लूडो का एक वो चल रहे होटलों में स्नूकर क्लब में ये हम लोग चाह रहे हैं कि लड़के सारे ग्राउंड की तरफ आ जाए, तमाशाई भी आ जाए और हमारे जितने प्लेयर्स हैं उसकी अवसर अफजाई करें। और यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल के मेमार बने, ना कि खुदा न खास्ता कोई मुंशियात क्या दिए वो बने। और ये हम लोग चाह रहे हैं कि और हमेशा हम लोग हर साल और यही टूर्नामेंट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग ये जो चार पाँच साल तक खालिक साहब भी होंगे तो यही टूर्नामेंट हम लोग बिल्कुल पाँच साल तक मुसलसल करेंगे। और आप भी मीडिया वाले हमारे साथ दें। और आज पहली रात है कि अभी टूर्नामेंट का 14वां दिन है मेरे ख्याल में, तो प्रेस वाले आज पहले दिन आए हैं, हम बहुत खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ दें ताकि हमारे बच्चे हमारे जवान स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो जाए और बुरे कामों से बचे रहे।